हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, सुनने में आया कि भाई जुनैद खान ने भाई विराट कोहली का इंसल्ट कर दिया है, सुनने में आया ऐसा। ठीक है, तो गाइस लेट्स सी पाकिस्तान मीडिया क्या बोलता है। ठीक है, उसके बाद में मैं अपना जवाब देने वाला हूँ। चलो गाइस रिएक्ट करते हैं। मैं मिल जाएगा, वो कहते हैं ना कि बगैरत का इलाज है, लेकिन बगैरती का इलाज अभी तक नहीं है, पूरी दुनिया में अभी तक आया नहीं है। बगैरत का इलाज मिला हुआ है, लेकिन बगैरती जो है वो इस हद तक फैल जाती है कि उसका इलाज ढूंढना आज तक कोई नहीं कर सका। और वो बगैरती सरेआम पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स करते हैं इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर या इंडिया के ऊपर या इनका टारगेट इंडिया होता है। शाहिद अफरीदी हेट अब्यूज, हेट स्पीच अगेंस्ट इंडिया, जवेद मियादाद, शुएब अख्तर, लेकिन अब एक ऐसा बंदा आया जिसका नाम है जुनैद खान। अगले ने विराट कोहली की इंसल्ट की और मुसलसल कुछ हफ्तों से मेरे घंटे का जुनैद खान खुदड़। पाकिस्तान में एक ही भाई सेंसिबल बात करते भाई, यही बंदा भाई। ठीक है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट का बात करते यही एक बंदा है भाई, सिंपल सा। तेरी औकात है कि तू विराट कोहली पे बात करे, तेरी औकात है कि तू विराट कोहली पे बात करे? नहीं, सीधा कह ना, पाकिस्तान में पैसों की कमी हुई हुई है कि तुझे जॉब नहीं मिल रही, अब तुझे जॉब चाहिए, तुझे कुछ पैसे चाहिए, तुझे कुछ रीच चाहिए, तो तू विराट कोहली को टारगेट करेगा क्योंकि वो वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। उसके बगैर दुनिया चलती नहीं है, उसके बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, वो क्रिकेट की सांस है, ऑक्सीजन 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 समझते ना, मैं सांस लेता हूँ तो मैं जिंदा हूँ, यही है वो, समझ लो वही काम करता है। तो बेटा मेरे घंटे के जुनैद खान है ये बंदा, इसको रीच चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई इतनी हास क्रिकेट खेला नहीं है और अब विराट कोहली के ऊपर पड़ गया जी आईपीएल। दो काम है इसके पिछले हफ्ते से, आईपीएल और जो वो विराट कोहली। इस बंदे ने कुछ दिन पहले ट्वीट की थी कि आईपीएल फिक्स्ड होता है, आईपीएल के मैचेस फिक्स्ड होते हैं, आईपीएल में फिक्स क्रिकेट खेली जाती है, जुआ चलता है आईपीएल में, हराम की कमाई होती है आईपीएल की। इसने बोला था जो बंदा आईपीएल शेयर नहीं करता वो हराम की कमाई लेता है। और फिर इसने विराट कोहली का बोला था, जब विराट ने 100 किया था इससे पहले वाले मैच में, इसने बोला था वो स्लोएस्ट 100 किया विराट ने। कल फिर विराट कोहली जल्दी आउट हो गए हैं और इसने लिखा है ट्वीट में 33.3 का स्ट्राइक रेट, मतलब कल विराट ने 9 बालों पर 3 रन किए और 33 का स्ट्राइक रेट था। अब मेरे घंटे के जुनैद खान उत्तर, मैंने तेरा पकड़ के ना ये घंटा बजा देना, मैंने तेरा पकड़ के, तू विराट कोहली पे बात करेगा क्यों? पता है विराट कोहली क्या चीज़ है बेटा? जितनी विराट कोहली के घर में उस झाड़ू देने वाले को मिलती है ना सैलरी, मैं लिख के देता हूँ लिख के, तेरे पास अभी उतने पैसे नहीं होंगे क्योंकि तुझे पाकिस्तान में कोई जॉब मिल नहीं रही। तुझे अब तू चाहता है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, इंडिया के ऊपर मैं गालियाँ दूँ, हेट स्पीच करूँ, शर्म कर ले, खुद तू क्रिकेट खेला हुआ है और तू विराट कोहली पे बात कर रहा है। मुझे आंखों में आंखें डाल के ये बात बता कि विराट कोहली छोटा प्लेयर है। एक टाइम ना हेट को, ये जितने भी पाकिस्तानी एक्स की तरह ना मुझे गालियां पड़ती हैं पाकिस्तान में, मैंने पूरे अपने घर में पाकिस्तान में रहा तो मैंने विराट कोहली की शर्ट तस्वीरें, मुझे गालियां पड़ती हैं पाकिस्तान में। मैं निकलता हूँ रोड पे, मुझे पीछे से बू बू किया जा रहा होता है, लेकिन मैं घंटे पे चाड़ के रखता हूँ सबको। सही है भाई, तू लिख के मुझे बता ये बात, विराट कोहली छोटा प्लेयर है? वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस, से बेहतर प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं आया। और तू दो टके के जुनैद खान, मैंने तेरे अंदर ये डंडा घुसा देना पकड़ के, ऐसा घुसाऊंगा ले पेटा पीछे से दूंगा और मुंह से बाहर निकालूंगा। तू एक है भाई, औकात क्या अगर पाकिस्तान में कोई बोलेगा तो भाई अपना उमेर भाई है भाई, संभाल लेते भाई। ठीक है, इंडिया को आने का जरूरत नहीं बीच में, अपना उमेर भाई संभाल लेते भाई, टेंशन। विराट कोहली पे आगे बात करे, मैं तुझे पी जाऊंगा पकड़ के, मैं तुझे मार मार के ना तेरी 32 बार निकाल दूंगा। सही है, है कौन अब तू कभी कह रहा है आईपीएल फिक्स्ड है, ये है वो है, कोहली को अंदर क्यों ले गया तू? नहीं कोहली क्या बांधे नहीं है कोहली को, क्या करना है तूने कोहली के साथ? है इंसान का बच्चा बन जा। हाँ मैं उमेर भाई आपको ईद मुबारक भाई, मैं पी जाता हूँ जो विराट के अगेंस्ट बात करता है, मैं उसको पी जाता हूँ। मुझे यकीन करो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ यार, मुझे गालियाँ पड़ती हैं, मुझे बू करता हूँ मैं जब जाता हूँ बाहर, मुझे लोग ऐसे रोड के ऊपर बू बू करते हैं कि मैंने विराट की शर्ट, अपनी शर्ट पे विराट का नाम लिखा हुआ है, मैंने विराट की तस्वीरें लगाई हुई हैं, मैं स्टेडियम में पिंडी स्टेडियम में मैं ये शर्ट पहन के गया था, ये वाली वो मेरी तस्वीर है कि मैं शर्ट पहन के गया था पिंडी स्टेडियम में विराट कोहली की, मैं दिल पे पत्थर, मुझे पता था मुझे पकड़ के भी ले जाएंगे, लेकिन मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ।
विराट कोहली को सपोर्ट करता हूँ, वो क्रिकेट का सबसे बड़ा किंग है। बेटा विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है, वो अच्छे क्रिकेटर से ज्यादा अच्छा इंसान भी है। रात को देख ले, उसने फिर एक एग्जांपल सेट किया जब हार्दिक पांड्या को बू कर जा रहा था, तो विराट ने क्राउड को चुप करवा के बोला कि क्लैप करो हार्दिक के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ विराट किंग कोहली। बेटा वो अब्बू है क्रिकेट का, ओलंपिक्स उसकी ओलंपिक्स में उसकी वजह से क्रिकेट गई है। और तू दो टके के जुनेद खान तू कोहली के ऊपर बात करेगा और लिखेगा 33 का स्ट्राइक रेट। कैसा मैंने विराट कोहली को जी 4 बार आउट किया हुआ है, 2012 की बात कर रहे हैं। विराट को क्रिकेट में 1.5 साल हुए थे इतने एक नाम बनते विराट का, खेल तो विराट कब से रहा था पिछले 4 सालों से, लेकिन 1-2 साल में विराट का थोड़ा नाम बना था। तूने अगर 2012 में 1-2 बार विराट कोहली को आउट कर लिया, तुझे 2012 वाला एशिया कप में 183 नहीं याद, जब विराट ने अकेले दम पे शुएब अख्तर इन सब का घंटा बजा दिया था पकड़ के, मुझे तुझे वो नहीं याद, वो नहीं याद तुझे, जब विराट कोहली एक यंग बच्चे ने 183 अगेंस्ट पाकिस्तान बजा के रख दी थी पाकिस्तान क्रिकेट की, घंटा बजा दिया था पकड़ के। और पीछे से पाकिस्तानी क्रिकेटर में से पीछे पछवाड़े से पता क्या आवाजें आ रही थी, ये आवाजें आ रही थी पीछे से। तो तू बंदे का बचा बने, तुझे मैं विराट जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ विराट मैच खेला है, एक भी मुझे मैच में बता के विराट कोहली को जल्दी आउट किया, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। बेटा भाई लैटरल सीरीज में ये है ना भाई, लैटरल सीरीज में परफॉर्म करने वाला घंटा, और बड़े मैचेस में ये हाके देता है। अगेंस्ट इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी आईसीसी में, घंटे की छनकने की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यही बात है, यही बात है आप लोगों की, गद्दार हो, नमक हरामी करते हो, मतलब सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं है ना इंसान, असल इंसान मैं उसे कहता हूँ। तूने मुझे पता है तूने ये दिल से भी ट्वीट नहीं की, तूने सिर्फ हेट दिखाई है। क्या मैं विराट के अगेंस्ट ट्वीट करूँगा, मैं विराट के अगेंस्ट बात करूँगा, मुझे रीच मिलेगी, लोग मुझे देखेंगे, फिर मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, मुझे पैसे आएंगे, मुझे डॉलर बनेंगे। मैं शर्म कर ले, थोड़ी सी हया कर लो, वो क्रिकेट का किंग है, उसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं लिख के देता हूँ, आज वो बंदा क्रिकेट से रिटायर हो जाए, 70-80% आम क्रिकेट देखना बंद कर देगी, क्योंकि वो क्रिकेट की जान है। दिल विराट कोहली प्लेयर नहीं है, इमोशन है, मुझे घूस बम्स आ रहे हैं, वो इमोशन है लोगों का। मुझे मैंने तेरे अंदर मैंने मुक्का मार मार के तुझे फाड़ देना पकड़ लिया। विराट का गैंगस्टर एक भी ट्वीट आई नहीं देखना, तू पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर, शर्म कर ले थोड़ी सी यार। चल ठीक है, कोई किसी और प्लेयर को बात कर, तू कह रहा जी आईपीएल फिक्स लीग है, चलो वो तेरे अपना मसला है, तू मुझे पता, वो भी तू हेट बात कर रहा है। आगे कहां थे वो जवेद मियां, दाद शायद अफरीदी, ये लोग फजूल बातें करने के लिए पिछले 2 महीनों में क्या आप लोग, रिजवान ने बोला पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, बाबर ने बोला पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, जुनेद खान बोल रहा आईपीएल फिक्स होती है, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, बाबर ने एक और बोला भाई बुमराह वर्सेस नसीम शान है भाई, मालूम है ना क्वेश्चन। और जवेद मियां दाद गंजा बोल रहा है पीएसएल इज बेटर देन, शायद अफरीदी बोल रहा है इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो बाढ़ में जाए। यार मुझे बताओ कभी सचिन तेंदुलकर की तरफ से कोई ऐसी बात सुनी है, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सौरव गांगुली, वो लोग कितने मेच्योर हैं, उनको छोड़ दे, इसकी तरफ देख ले। वो बंदा ग्राउंड में नवीनुल हक के साथ लड़ा है, फिर उसको बुला के सॉरी करता है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तेरी औकात से भी बाहर वाला प्लेयर है, तू एक मिनट के लिए उसको नहीं खरीद सकता। तूने जिंदगी में आज तक जितने पैसे कमाए हैं ना, एक मिनट के लिए उन पैसों में से एक मिनट के लिए उसको खरीद, तेरी औकात नहीं है कि तू एक मिनट के लिए भी उसको खरीद सके। इतना महंगा वो बंदा है, इतना महंगा, क्रिकेट चलती है उसके नाम पे, आईसीसी के पोस्टर पे उसकी तस्वीर ना होना तो बेटा बढ़ जाता आईसीसी टूर्नामेंट, किसी आईसीसी टूर्नामेंट में वो बंदा ना हो तो बजा देता आईसीसी, नहीं खेलता आईसीसी का, कोहली आएगा तो खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की कंट्रीज में जाके वो खेलता है और वो टीमें 19 सीरीज से पैसे कमाती हैं। आयरलैंड के चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बोला था कि अगर मैं हम पूरी सीजन क्रिकेट खेलें और अगर एक मैच विराट कोहली हमारे मुल्क में आके खेल लेना तो हम इतने सालों का पैसे कमा लेंगे, स्पॉन्सरशिप उसके नाम पे आती है, वो क्रिकेट का किंग है और तू उसके अगेंस्ट ट्वीट करेगा, शक्ल है तेरी इस तरह की, उकाते हैं आपकी, मतलब ये कौन सी लॉजिक है। आईपीएल पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, मुझे बताओ पीएसएल के जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं, राइली रूसो, कैडमोर, ये जितने भी हैं वो सारे तो आईपीएल में बेंच पे बैठे हुए हैं, वो तो पानी पिला रहे होते हैं उधर, वो तो उधर पानी पिला रहे होते हैं, उनको तो उधर कोई पूछता भी नहीं है।
मतलब जितने भी पीएसएल के फॉरेन प्लेयर है वो तो रिटायर्ड प्लेयर, कैरन पोलार्ड, ये सारे रिटायर्ड प्लेयर है। क्या निकला? आईपीएल का टैलेंट देख रहे हो, रोजाना आईपीएल का टैलेंट निकलता है, रोजाना एक आधे मैच में इंडिया का टैलेंट निकलता है और लोकल प्लेयर इंडिया का टैलेंट होता है। वो शर्म कर लो थोड़ी सी, कुछ पैसों व्यूज चक्कर के लिए अगले को बेस्ट कर देना, पकड़ के बदनाम कर देना यार, कम अज कम उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो यार। तू छोड़ दे इंडिया पाकिस्तान ये चीज़ छोड़ दे, तू क्रिकेट की रिस्पेक्ट कर, तो खुद क्रिकेट खेला हुआ है। और उस बंदे के ऊपर तू बात कर रहा है 33 की स्ट्राइक रेट और ये जी स्लो है 100 भाई, ऑरेंज कैप है उसके पास। मैंने मार मार के मैंने फाड़ देना पकड़ गया विराट के अगेंस्ट। एक भी ट्वीट आई, मैं यकीन करो मैं बड़ा जज्बाती बंदा हो जाता हूँ विराट कोहली के लिए। मैं हमें नहीं, मैं पाकिस्तान में रह के हमें विराट के, विराट के नाम की शर्टें और तस्वीरें मैं हमें नहीं लगा कर फिर रहा। हमें मेरे मोबाइल के ऊपर जो वाल पेपर है ना वो विराट का नहीं लगा हुआ। मेरी हिम्मत नहीं होती मैं इसको उतारूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती। इसके अंदर भी लॉक और होम दोनों पे विराट की तस्वीरें हैं। बेटा मैं कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं पाकिस्तान में। मुझे ग्राउंड में मैं जाता हूँ, मुझे पीछे से मुझे इतना भी पता होता है मुझे मारेंगे भी पकड़ के क्योंकि कुछ भी आप, लेकिन मैं फिर भी विराट के लिए करता हूँ सब कुछ क्योंकि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा। भाई दिस इज़ व्हाट अ जेंटलमैन भाई, जो क्रिकेट समझते हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कि पाकिस्तान में, तो भाई देखो भाई तुम अपने कंट्री को सपोर्ट करते हो भाई, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हो, दैट्स अ जेन्युइन भाई। लेकिन जब जब तुम क्रिकेट को सपोर्ट करते हो ना भाई, तो आपको फैक्ट वाली बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मेरे बात बात भाई, मैं विराट कोहली का इतना बड़ा फैन हूँ ना कि मैं पकड़ के बजा देता हूँ, इतना सोच लेना। मैं इधर फैमिली के साथ लड़ पड़ता हूँ, दोस्तों के साथ मैंने दोस्तियाँ ख़त्म की हुई हैं। बेटा तू किस खेत की मूली है कि तू विराट के ऊपर बात करेगा और मैं तुझे जाने दूंगा? बेटा मैं पकड़ के बजा दूंगा तेरी, ऐसी बजाऊंगा तेरी, मैं ऐसी मैं बजाऊंगा तुझे पकड़ के, मैं तेरा घंटा छनकना बाजा डंडा सब पकड़ के बजा दूंगा मैं तेरा। विराट कोहली अभी आएगा ना 9 जून को, 9 जून को मेरी बर्थडे है, 9 जून को मेरी बर्थडे होती है। विराट की मैच विनिंग परफॉर्मेंस और बर्थडे का केक इधर इकट्ठा काटूंगा मैं, लिख के दे रहा हूँ। पाकिस्तान नहीं हरा पाएगा 9 जून को, ये बाबर आजम घंटा हराएगा। एमसीटी वाले वो छक्के भूल गए, टेपिया को मार मार के टेपे उतार दी थी उसने, करियर खत्म में नहीं। वो आईसीसी मीट में परफॉर्म करता है, बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर है। और मेरे घंटे का किंग कब बड़े मैच में चला है, कब बड़े मैच में चला है? ये वही जिनेद खान है, जब 2019 में इसको वर्ल्ड कप से ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया था ना, तो ये बैठ के पीसीबी के अगेंस्ट बातें कर रहा था। अब ये विराट के अगेंस्ट बातें कर रहा है, तो अब इसको पीसीबी के ये पैसे करके अगेंस्ट बातें करके इंडिया से कुछ मुझे इंटरव्यू से बुला लें, मुझे पैसे मिल जाए। अब विराट के अगेंस्ट बातें कर रहा है क्योंकि उसको पता है विराट एक ऐसा टारगेट है, उसको सब जानते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग सबसे बड़ी है। उसके अगेंस्ट बात करूँगा तो मुझे जी रीच मिलेगी। शर्म कर ले थोड़ी सी, थोड़ी सी हया कर लो, अकल के नाहुन ले लो थोड़े से। ये तो मैं ऐसा तेरा घंटा बजाऊंगा पकड़ के। खुद तूने पाकिस्तान की तरफ से कौन सा को तू कराया, कितना वर्ल्ड कप खेला तूने पाकिस्तान की तरफ से? एक एक चैंपियंस ट्रॉफी इस बंदे ने सिर्फ खेली हुई है, एक चैंपियंस ट्रॉफी इस बंदे ने सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से खेली हुई है। और उस बंदे की तुझे मैं परफॉर्मेंस बता दूँ ना, तुझे 50-100 है उसके वनडे में नहीं रहे, खुदड़ तेरी 50 विकेटें भी नहीं होंगी पूरी इंटरनेशनल में। और तू आगे कोहली पे बात करेगा, ये जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना पाकिस्तान के, पीएसएल आईपीएल के, ये जो यार आईपीएल किधर की लीग है यार, इतनी बड़ी लीग है, 88,000 उनकी ब्रांड वैल्यू है इंडियन रुपीज में। शर्म कर ले थोड़ी सी यार, यकीन करो ये पता नहीं है पाकिस्तान। बताओ यार नीचे कमेंट बॉक्स में, ये जुनेद खान के पर कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाना, कोई भी विराट कोहली का फ़ैन है ना तो बजाओ नीचे इसको कमेंट बॉक्स में, मैं हूँ कोहली का फ़ैन, मैंने ये वीडियो बना के अपना हक अदा कर दिया। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना हक अदा करें, वीडियो अच्छी लगेगा लाइक करें सब्सक्राइब। सब लोग ठीक है, जो जो लोग विराट कोहली को ऊपर सपोर्ट करते हैं, फ़ैन है गाइस, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करो भाई, दोनों के वीडियो पे कमेंट करो गाइस, ठीक है। और गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। और एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, जितने भी पाकिस्तान भाई जो लेजेंड बोलते भाई, जो मतलब एक्स क्रिकेटर है भाई, ठीक है, लेजेंड तो भाई भूल जाओ, एक्स क्रिकेटर है भाई, उनका तो भाई काम देखो, काम धंधा वही है कि भाई थोड़ा हेट करो भाई इंडिया का टीम को सपोर्ट को थोड़ा हेट करो और भाई उधर से व्यूज़ निकालो भाई, यही चलता रहता है भाई, ठीक है। तो गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर से भाई ऐसा आप ना करें भाई, ठीक है, जेन्युइन जो क्रिकेट की बात है वही बात करें भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अपना एजेंडा भाई ट्विटर पर मत चलाओ भाई, ठीक है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। और गाइस ठीक है, और गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा गाइस, ये रिएक्शन पसंद आया रहेगा गाइस, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, थैंक यू गाइस।